हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माय चैनल अशोक टेक ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस, आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 12 कंट्रोल सेंटर कैसे लगाएंगे। तो गाइस, आपने इस वीडियो के इंट्रो में देखा होगा, गाइस यही वाला ओप्पो का फ़ोन था, लेकिन गाइस उसके अंदर जो कंट्रोल सेंटर था वो था एंड्रॉयड 12 का। तो गाइस, अब आप देखेंगे इसके अंदर जो गाइस कंट्रोल सेंटर है एकदम नॉर्मल सा है। आप इसे चेंज करके एंड्रॉयड 12 का कंट्रोल सेंटर लगा सकते हो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, चाहे वो ओप्पो, वीवो, रियलमी, कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस गाइस, आपको इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, बिना स्किप करे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो, इसे हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, आप देख सकते हो। और गाइस, इसे मैं चेंज करके एकदम जो आपने इस वीडियो के इंट्रो में देखा ना एंड्रॉयड 12 वाला कंट्रोल सेंटर, गाइस वही लगा के दिखाऊंगा और 110% वर्किंग करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। मैं सबसे पहले आपको चलना है प्ले स्टोर पर, गाइस एप्लीकेशन को करना है इंस्टॉल। आपको गाइस सर्च बार में लिख देना एंड्रॉयड 12 कंट्रोल सेंटर, गाइस आपको ये वाली एप्लीकेशन सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर गाइस 9.3 MB के आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। गाइस एप्लीकेशन हो चुकी है इंस्टॉल, अब आप देख सकते हो इसके अंदर गाइस मैं आपको रेटिंग और डाउनलोड्स दिखा दूं। गाइस 100,000 इसके डाउनलोड्स हैं और गाइस इसकी जो रेटिंग है गाइस 4 के रिव्यूज इसके आप देख सकते हो। 9.3 MB की एप्लीकेशन है, बस गाइस आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है सिंपल से। तो गाइस हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है इंस्टॉल। गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम गाइस अपने फ़ोन का नेट ऑफ कर देते हैं। जैसे गाइस अगर आप अपने फ़ोन का नेट या मतलब जैसे भी अगर अपने वाईफाई भी लगा रखा है उसे ऑफ कर लेंगे तो गाइस आपको इसमें ऐड नहीं देखने को मिलेगी, एप्लीकेशन एकदम फ्री है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया, तो आपको क्या करना है सिंपल इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस मेरे इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 10 है, तब भी मैं गाइस इसके अंदर एंड्रॉयड 12 वाला कंट्रोल सेंटर लगा पाऊंगा। तो गाइस आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको परमिशन देनी है और आप देखते हुए चलना है। एंड गाइस आप इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। एंड गाइस आई एग्री कर देना है हम और आपको गो कर देना है। इतना करने का फिर गाइस आपकी सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 12। तो गाइस आपको इसे ऑन कर देना है, तो ऑन करके गाइस फिर आपको यहाँ पर ओके करना है। फिर बैक करते हैं हम बैक। एंड गाइस फिर आपको ये वाली परमिशन ज़रूर देनी, नहीं तो आपके फ़ोन में अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। आपको इसे ऑन कर देना है, बैक करते हैं। तो गाइस ऐड आ गई क्योंकि हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, तो हम वाईफाई बंद कर लेते हैं। इसको भी हम ऑन करते हैं, तो इसने अभी तक नेट ले रखा है गाइस, थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया होगा। तो आपको नेक्स्ट कर देना गाइस, इतना कर देना है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ गाइस, आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाएगी। और गाइस ये एंड्रॉयड जो 12 का ये पहले चेंज हो चुका है एकदम काफ़ी एकदम बढ़िया आपको देखने को मिल रहा होगा लुक के संग। यहाँ पर गाइस आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ आपको ध्यान देना है कि इनेबल कंट्रोल से गाइस ये ऑफ ना हो, ऑन जरूर हो। और गाइस यहाँ से आप इसे कस्टमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूज़ वॉलपेपर एस ऑफ टाइटल कलर। तो गैस अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो गैस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सो कंट्रोल्स ऑन लॉक स्क्रीन, गैस ये होना चाहिए, सो इन फुल स्क्रीन ये भी होना चाहिए। और गैस आप इसकी सेटिंग को भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हो एकदम आराम से, मतलब हटा सकते हो, रीसेट कर पाओगे। तो गैस आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ से कंट्रोल सेंटर निकालेंगे तो गैस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो गैस आप देख रहे हैं ना, ये एंड्रॉयड 12 वाला कंट्रोल सेंटर है। और गैस ये मेरा ओप्पो का ही फ़ोन है, हमने फ़ोन भी चेंज नहीं करा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाइस आप YouTube डायरेक्ट ऑन कर सकते हो इसके अंदर से, जो कि गाइस किसी भी कंट्रोल सेंटर में आपको नहीं देखने को मिलते। तो गाइस YouTube और गाइस यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये गाइस ब्राइटनेस भी हमारी 110% वर्किंग है, देख रहे हैं आप। और गाइस वाईफाई वगैरह भी आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस ये आपको सेटिंग में ले जाएगा फ़ोन की, और यहाँ से आप ऑन कर लीजिए वाईफाई, आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से वर्क करता है, आप देख पाएंगे। एंड गाइस इसके अंदर आपको 110% वर्किंग, ये आपको फ़ोन ऑफ करने का सिस्टम देखने को मिल जाएगा, पूरा गाइस एकदम 110% वर्किंग है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर हम इसमें लॉक लगाते हैं। एंड गाइस यहाँ लॉक स्क्रीन पर भी ये वर्क कर रहा है। तो इससे गाइस आप किसी को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गाइस कंट्रोल सेंटर किसी भी फ़ोन में अपडेट आता है तो कंट्रोल सेंटर नहीं चेंज होता है। एंड गाइस यहाँ पर आप इसके कलर भी सेट कर सकते हैं, गाइस वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। एंड गाइस यूज़ टाइटल कलर पर आप जाएंगे, अगर इसे आप ऑरेंज कर लेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर देखने को मिल जाएगा। अगर जैसे ही भी ये टाइटल कर गया ना, इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो जाएगा। आप कैसे अभी तक ये हुआ नहीं, तो ये क्योंकि ब्लू है, हमने ओके नहीं करा था गाइस, तो आपको ओके करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको ऑरेंज देखने को मिलेगा, तो गाइस यहाँ पर भी ये ऑरेंज हो जाएगा। तो गाइस ये आप देख सकते हो एकदम 110% वर्किंग है। तो यहाँ पर आप इसका मनपसंद जैसे येल्लो, यहाँ येल्लो हो गया तो गाइस आपको यहाँ पर भी येल्लो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एंड गाइस आपको इसे ऑन कर देंगे तो गाइस आपको यहाँ पर
ऑटो कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि खुद से इसके अंदर आपको सेट हो जाता है। जैसा आपका बैकग्राउंड होगा उस तरीके से कलर सेट हो जाएगा। तो गैस मैंने आपको 110% वर्किंग करके दिखा दिया, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और गैस ये एप्लीकेशन अगर जो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम करे तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और गैस आपको अगर कोई भी टॉपिक आपके मन में हो तो गैस मुझे ज़रूर कमेंट में बताना किस पर आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा उस पर। तो गैस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।